हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 7 मिनट ट्रिक। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज में भी आज हम लोग करने वाले हैं मिसिंग नंबर सीरीज। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि 16 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त से मेरा नया बैच आ चुका है, जिसमें हम रीजनिंग में धुआंधार तरीके से पढ़ाएंगे आपको, साथ में इंग्लिश, मैथ्स और जीके का भी बहुत ही उम्दा क्लास आया हुआ है। और आप इसको हितेश 10 या हितेश YT लगाकर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। प्लीज पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमें इस नंबर पर भेज दें। बहुत ही तरीके का क्लास होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको हर सब्जेक्ट मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी जुड़े हितेश 10 के साथ जुड़े, और ये हमारा फ्री क्लास का सारा इन्फॉर्मेशन है अन अकेडमी पर, सुबह 8 बजे, शाम 7 बजे, और आज से दोपहर 2:15 पर भी क्लास है। तो ये क्लास जरूर देखा करें, और YouTube पर ये दोनों क्लास हमारा होता है मंडे टू फ्राइडे, ये जरूर देखा करें। इसके अलावा आज की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, कि हमारा जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये समझिए कि नंबर सीरीज में बढ़ते हुए क्रम में दिया जाएगा, या घटते हुए क्रम में दिया जाएगा, या इंटू पे दिया जा सकता है, डिवाइड पे दिया जा सकता है, स्क्वायर पे दिया जा सकता है, क्यूब पे दिया जा सकता है, प्राइम नंबर पे दिया जा सकता है, इनटू प्लस पे दिया जा सकता है, इनटू माइनस पर दिया जा सकता है। मींस देयर इज नो फिक्स रूल, कि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है जिसके ऊपर आप ये सोच लेंगे कि मैंने इसको सीख लिया तो अब क्वेश्चन हमारा सारा बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको यहां कैसा भी प्रश्न दिया जा सकता है, और किसी प्रकार के प्रश्न को आपको हल करना पड़ सकता है, बट थोड़ा सा इसमें जो चीजें हैं वो हम आपको सिखला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपका कोई भी एग्जाम नंबर सीरीज की वजह से खराब नहीं होगा। इतना बढ़िया कंटेंट आप आपको हम देंगे आज। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखिएगा कि अगर स्लोली बढ़ रहा है तो समझिए प्लस हो रहा है, स्लोली घट रहा है तो समझिए माइनस हो रहा है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो समझिए इनटू हो रहा है, या स्क्वायर हो रहा है, या क्यूब हो रहा है, और अगर बहुत तेजी से घट रहा है तो सोचिए कि डिवाइड हो रहा है, या स्क्वायर रूट हो रहा है, या क्यूब रूट हो रहा है। ओके, चलिए यहां पर आज का जो पहला प्रश्न हम आपके सामने लेके आए हैं, तो वो इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 30 सेकंड दे दिया आपको, अब 30 सेकंड में इसको कैसे बनाएंगे आप, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम भाई इसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 7 और 15 का डिफरेंस 8 का है, 15 और 27 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, 27 और 43 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, 8 4 12 12 4 16, इसका मतलब अगला जो बढ़ना चाहिए वो 16 4 20 बढ़ना चाहिए, मतलब 43 में अगर हम 20 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सो आर आंसर शुड गो विद 63। ऐसा नहीं करिएगा कि यहीं तक रुक जाइएगा, आगे भी चेक करिएगा कि पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें +4, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 63 में अगर हम 4 यहां पर जोड़ रहे हैं, 63 में अगर हम 24 जोड़ रहे हैं तो देखो 87 भी हो जा रहा है, 63 में अगर हम 24 जोड़ रहे हैं तो ये 87 भी हो जा रहा है। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, डबल डिफरेंस चल रहा है ना। अच्छा, यहां देखिए इस प्रश्न को देखिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहां गौर करिए, स्टार्टिंग 215 से हुआ है दोस्तों, और घट के कहां चला गया, 100 पे। इसको 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहला काम आपको ये करना है डिफरेंस निकालना है। पहले यहां पर 9 है, इसका जो डिफरेंस है ये 16 का है, अगले का डिफरेंस कितने का है, 23 का है। तो हमने एक चीज गौर कर लिया इतने देर में कि यहां पर 9 7 16 16 7 23, अगला गैप जो है 30 का होगा, और अगर हम 167 में से 30 को घटाते हैं तो यह कितने के बराबर हो जा रहा है दोस्तों, 97 के बराबर। तो यहां पर अगर हम 97 रख दें तो अगला कितना घटाइएगा, 37, है ना। यहां पर आप क्या देख रहे हो, अच्छा एक चीज को गौर करिएगा, एक चीज को गौर करिएगा, यहां पर 97 के बदले में यहां 137 होगा। क्यों, क्योंकि 30 सिंपली घटा रहे हैं, 7 ये रहा, 16 में 3 गया 13, 137 हो गया। 137 में से फिर से हम 37 घटाएंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, सबसे पहले 9 घटाया, फिर 16 घटाया, फिर 23 घटाया, फिर 30 घटाया, फिर 37 घटाया, तो जो आंसर है वो किसके बराबर चला जाएगा, 137 के बराबर। ओके, यहां पर इसको देखिए, मान लीजिए इस टाइप का प्रश्न दिया हुआ है, क्या करेंगे, गैप हम देख रहे हैं, गैप अजीब सा गैप है, बहुत कम से बहुत ज्यादा चला गया, पक्का इंटू या कुछ हुआ है, कैसे करिएगा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, गुना 2 जोड़ 3, गुना 2 जोड़ 3, गुना 2 जोड़ 3, तो फिर से वही करेंगे, इंटू 2 होगा तो 106, प्लस अगर यहां पर हम 3 करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 109। इसको आगे भी चेक कर लो, इंटू 2 प्लस 3 कर रहे हैं तो ये 221 के बराबर
हो जा रहा है। देखो कितना देर लगा, पकड़ने में जितना देर लग जाए उसके बाद इसको इजिली आप बना लेंगे, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होगी, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। यहां से और आगे बढ़िए, 3, 6, 9, 18, 10 और 42 पक्का यहां पर भी कुछ वैसा ही मल्टीप्लीकेशन का चक्कर है या एडिशन का चक्कर है, देख लेते हैं। तो हम पहले देख रहे हैं अगर तो 3 बढ़ा 3 बढ़ा, ठीक है भाई, फिर यहां 9 बढ़ा, फिर अगले में 9 अगर बढ़ता है तो 27, तो अगले में फिर 18 बढ़ जाना चाहिए, 3 के बाद अगर 9 बढ़ा है तो या तो फिर 15 बढ़ जाना चाहिए। तो 27 और 15 कितने के बराबर हो जाएगा, 27, 10, 37, 5, 42। एक तो पैटर्न इसके थ्रू हो गया। दूसरा आप ये देखिए कि 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, 10 है, 42 है, क्या हो रहा है डियर, 3 यहां पर गुना दो प्लस तीन, तो यहां पर 21 आ रहा है और फिर गुना दो, तो दो तरीके से आंसर आ रहा है। तो कभी कभी नंबर सीरीज में ऐसा भी हो जाता है। तो हमने जो क्वेश्चन सेट किया था इसका वो 21 किया था, कैसे, गुना दो जोड़ तीन 21 और फिर गुना दो, ये पैटर्न है हमारे तरफ से, आंसर यही है यहां पर। लेकिन ध्यान रखना है कि कभी कभी जो आसान वाला पैटर्न है वो एग्जाम में आंसर नहीं होगा, जो टफ है वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो दो तीन क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन बना के आप लोग आंसर जरूर करिएगा और बताइएगा कि इसको कैसे बना सकते हैं, है ना। तो यहां पर अब हम बता दें आपको कि हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ये तीनों है, आप इनमें जुड़ जाएं। कभी भी आप फ्री क्लास देखना चाहें तो ये हमारा फ्री क्लास है, कभी भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो मेरा रीजनिंग का नया बैच शुरू हुआ है जो हितेश 10 के साथ ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप हमें इस नंबर पर भेज दें। यहां पर अगर आप देखें तो रीजनिंग के साथ साथ अन्य सारे सब्जेक्ट भी मिल रहे हैं। अगर आपने हमें अभी अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लें, हितेश मिश्रा मेरा नाम है, फॉलो जरूर करें और ये सारा फायदा आपको अनअकैडमी पर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हितेश YT लगाने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप हम तक जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी कोई भी दिक्कत के लिए आप हम इस डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, वीडियो को लाइक करें, हमें अनअकैडमी पर फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए